हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारा जो लेक्चर चल रहा था, जो टॉपिक चल रहा था, वो था लास्ट निर्माण की चुनौतियाँ। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो नेक्स्ट चुनौती थी वो थी राज्यों का पुनर्गठन और भाषा पर राजनीतिक संघर्ष। जैसे ही भारत को आज़ादी मिली तो भारत में भाषाई क्षेत्रवाद और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना एक सबसे बड़ी समस्या पैदा हो गई। इन दोनों समस्याओं ने कौन सी, राज्यों का पुनर्गठन और राजभाषा की समस्या, इन दोनों ने ही राष्ट्र निर्माण को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई। विभाजन के बाद देशी रियासतों के विलय के साथ ही जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है उसका अंत नहीं हो गया था। अब भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को निश्चित करना, भारतीय प्रांत की जो आंतरिक सीमाएं थी उनको भी निश्चित करना अभी तक एक चुनौती थी। और भारतीय प्रांतों की जो सीमाएं थी उनको इस ढंग से निश्चित करना था कि जो देश की भाषाएं हैं और जो सांस्कृतिक बहुलता है उन्हें किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचे। तो इस आधार पर सबसे पहले पहले राज्यों का पुनर्गठन। ब्रिटिश काल में प्रांतों का गठन बहुत ही अस्त व्यस्त ढंग से किया गया, पर यह केवल एक प्रशासनिक सुविधा थी। लेकिन जो स्वतंत्रता के बाद की जो चिंता थी वो ये थी कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे क्या होगा, अव्यवस्था फैल सकती थी और देश की एकता और अखंडता को हानि पहुंच सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सरकार ने प्रांतों को, देशी रियासतों को भारतीय संघ की इकाइयों के रूप में पुनर्गठित करना चाहा और इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भाषा प्रशासकों और जनता के बीच सहयोग स्थापित करने की एक प्रभावी साधन तैयार किया। 1948 में एक समिति का गठन किया गया जो राज्यों के पुनर्गठन पर विचार करेगी और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह निश्चित किया कि भारत एक बहुभाषी देश है और भाषावार राज्य बनाना ही व्यवहारिक अव्यवहारिक ही नहीं बल्कि खतरनाक सिद्ध हो जाएगा। इससे राज्यों की जो संख्या है वो भी बढ़ गई। नेक्स्ट थी भाषाई आधार को चुनौती देने। क्या था, केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेताओं ने चुनौती दी। पुराने मद्रास प्रांत के जो तेलुगु भाषी क्षेत्र थे उनमें विरोध बढ़ गया और पुराने मद्रास में जो आज का तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल है और इसके कुछ मौजूदा केरल क्षेत्र जो केरल और कर्नाटक भी शामिल है यहाँ पर विरोध उत्पन्न हो गया। आंध्र प्रदेश का एक नए राज्य के रूप में गठन। विशाल आंध्र आंदोलन यानी कि आंध्र प्रदेश के नाम से एक अलग राज्य बनाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन ने मांग की कि मद्रास प्रांत से तेलुगु भाषी इलाकों को अलग कर दिया जाए, एक नया आंध्र बनाया जाए और तेलुगु क्षेत्र की जो लगभग सारी राजनीतिक शक्तियाँ थी वो मद्रास प्रांत के पुनर्गठन पर ही सहमत थी, उनके पक्ष में थी। केंद्र सरकार ने हाँ ना कि द्विधा में थी केंद्र सरकार और इस मनोदशा से क्या हुआ, इस आंदोलन ने जोर पकड़ लिया और कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी जो कोटी श्री रामलु थे वो अनिश्चित भूख हड़ताल पर बैठे। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसी के चलते बड़ी व्यवस्था और अव्यवस्था फैल गई और आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक घटनाएं होने लगी। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए और पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हो गए और मारे गए और मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीटों से इस्तीफा दे दिया। आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के नाम से एक अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी। आगे है समझ में आपको आंध्र प्रदेश के बारे में कि आंध्र प्रदेश में एक विशाल आंदोलन चला, उस आंदोलन की क्या मांग थी कि जो तेलुगु भाषी इलाके हैं उनको अलग करके एक राज्य बनाया जाए और जो एक कांग्रेस के दिग्गज नेता थे श्री रामलू वो अनिश्चित
कार धरने पर बैठ गए। 56 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई और यह आंदोलन और भी बढ़ता चला गया। कई जगह पर तो हिंसक घटनाएं भी हुई, पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल भी हो गए थे या मारे गए थे और मद्रास के जो अनेक विधायक थे उन्होंने इस्तीफे दे दिए। अंत में प्रधानमंत्री को ये मांग माननी पड़ी और 1952 में एक अलग आंध्र प्रदेश के नाम से एक अलग राज्य बनाने की घोषणा। नेक्स्ट आता है राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण 1953। कब हुआ था? 1953 में। देश में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने का संघर्ष भी चल पड़ा। उसके बाद इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया। और इस आयोग का क्या काम था? इस आयोग का काम था कि सीमांकन के मामले पर गौर करना। इसने अपनी रिपोर्ट में ये स्वीकार किया कि राज्य की सीमाओं का जो निर्धारण होगा वहाँ पर उस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होगा। ठीक है, समझ में आया ना कि जो भी राज्य है जिसका निर्माण होगा वो क्या होगा, वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा के आधार पर ही होगा। और इस रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग पास हुआ और इस अधिनियम के इस कानून के अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। कितने प्रदेश बनाए गए थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। फिर से समझिए राज्य पुनर्गठन आयोग को कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने का जो संघर्ष चला तो केंद्र सरकार ने फैसला किया कि राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया जाए। इस समिति ने क्या सिफारिश की कि भाई राज्यों का जो गठन है वहाँ उस क्षेत्र में बोली जाने वाली भी जो सीमाओं का हमें अंकन करना है, जो सीमाएं बनानी है राज्यों की, तो हमें उस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर बनाई जानी है। तो 1953 में राज्य पुनर्गठन सॉरी 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग पास हो गया और उसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। नेक्स्ट आता है कुछ नए राज्यों का निर्माण। भाषावाद राज्यों को जब पुनर्गठित करने की जो सिद्धांत था उसको मान लेने का अर्थ यह नहीं था कि सभी राज्य तत्काल ही भाषाई राज्य में तब्दील हो जाए। एक प्रयोग था जो द्विभाषी राज्य बंबई के रूप में भी किया गया था, जिसमें क्या किया गया, गुजराती और मराठी बोलने वाले लोग थे वहाँ पर एक जन आंदोलन हुआ 1960 में। तो महाराष्ट्र वहाँ पर उस आंदोलन के बाद महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्य बन गए। ठीक है, और इसी तरह का ये कब बना, वो कब बने 1960 में। और ऐसे ही पंजाब से 1966 में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नाम के दो राज्य बने। इसके बाद भी बनाए गए 1972 में मेघालय बनाया गया असम से अलग करके। 1972 में असम से अलग करके मेघालय बनाया गया और मणिपुर और त्रिपुरा भी इसी साल ही यानी कि 1972 में ही अस्तित्व में आ गए थे। राज्य के पुनर्गठन की जो कथा है वो अभी तक समाप्त नहीं हुई है। देश के अनेक इलाकों में छोटे छोटे अलग राज्य के बनाने को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। ठीक है, आई होप जो आज का टॉपिक है आपको अच्छी तरह से समझ में आया।